आपका नया साल सबका बहुत अच्छी तरह से जाए, खुशियों से जाए। हैप्पी 2022। सब भी खुश रहना, सबके घर पे खुशियां लाए ये नया साल। हैप्पी रहना और क्या किया नया साल में वो भी बताना। ब्लास्ट। क्योंकि बेचारे को बाहर जाना है, विंटर वेकेशन फील करना है। यहाँ तक है ना? ठीक है। सभी कोई घूमी घूमी कर रहा है, हम लोग क्यों रह जाए। हाँ, ये विंटर में पता नहीं थोड़ा वेदर बहुत, मुंबई का अगर मुंबई घूमना है तो प्लीज विंटर में आना। क्रिसमस और न्यू ईयर में तो सब तो निकल जाते हैं पूरा। वाओ, सब तो गए। हम यहीं पे घूम लेते हैं। नहीं नहीं, न्यू ईयर पे कुछ करेंगे, स्पेशल कुछ करेंगे। कुछ मुंबई किसी को घूमना है तो विंटर दिसंबर टू मार्च। ये है मेरा बचपन का प्यार। ये अगर कोई मुझे गिफ्ट दे दे ना, दुनिया का कुछ भी गिफ्ट दे दे, लेकिन इसके आगे तो कुछ भी नहीं। इसको लेकिन रखू तो रखू कहाँ, यहाँ पे रखती हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर। गोल्ड का की चीज दे और मुझे चांपा का एक बंच दे, मैं चूज करने में 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी जो मुझे चांपा चाहिए। रियली? अच्छा, तो मुझे दिखा दो, मुझे वो पेड़ ही दे दो, उतना बड़ा सा पेड़ दे दो, गिफ्ट में चांपा दे देने चलेगा। ये तो मतलब इसका तो देखा देखा, मेकअप चल रहा है। हेलो, मेकअप मेरा ये मत दिखा, मेरा यहाँ पे वैनिटी है। शांतनु का वैनिटी देखो, क्या थोपता, सिर्फ एक ही क्रीम थोपता बस, वो भी तुम्हारा मम्मी मेरा, सोचो आप नो टाइप का। See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get... बाहर में जगह नहीं है, बाहर सब फुल है। देखो देखो, मजा देखो, क्या अच्छा वाला मुझे मिला था। नहीं, वो वाला देखने में अच्छा है। मशरूम बोला है, क्रस्ट पिज्जा, और इधर है फिश एंड चिप्स। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, तुम मजे, तुम सिर्फ वही खाओ और मैं ये खाता हूँ। फिश एंड चिप्स और पिज्जा से स्टार्ट किया जा रहा है आज का पार्टी, आज का ट्रीट स्वीटी के लिए मेरे तरफ से। थैंक यू शांतनु, वेलकम। ऐसे पार्टी हमें देते रहो। क्या मुझे खाना है? ये पिंक वाला। ग्रीन वाला नहीं, पिंक वाला अच्छा। पिंक वाला का शेप बताओ। नहीं, हा? वो इमोजी वाला नहीं है। ब्राउन अगर हो जाता तो वो लास्ट वाला, लास्ट पिंक वाला। ब्लू, इधर नहीं है। तुम्हारे लिए शॉपिंग हो रहा है, स्वीटी दीदी गई है, कैट फूड शॉपिंग करने। तुम्हारे खाना लाने। क्या इनोसेंट कैट है, हम लोगों को देख के रुक गई। बहुत इनोसेंट है। को क्यों देख रहे हैं? नहीं मालूम, नहीं मैं हूँ के साथ रुक गया ना उसको देख के। मत लगा, छोड़। ओए, हाथ लगा सकती हूँ। हेलो, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उन लोग ये फालतू टाइप का है, यही पे घूमते रहते हैं। वो सबको लग रहा है कुछ ना कुछ देता है, अगर नहीं मिला उसको भी नहीं मिला लग रहा है। मिल गया सूटी फाइनली। कितना लिया? 1 किलो। 1 किलो सामने सामने जाओ स्वीटी, इसको सब मालूम है। बसा बसा, मिला नहीं ना। हमारे घर में क्या एक्सपर्ट, हमारे घर में स्वीटी को सब कुछ पता है। और वो मेरे हाथ ना लगा, मतलब खाते खाते हाथ लगाने से वो बेचारा हाथ से इष्टा मुझे, तुम्हें अगर कोई जलाएगा खाने खाने। स्वीटी ने अपने पॉकेट में जितना भी पैसा था, 500 रुपया था उसके जेब में रहता है हमेशा, मैं देती हूँ, तो उसमें से 450 था मुझे बोला खरीद के लेके। हम ना लेके, गुड गुड, नहीं ये जरूरी है। आराम से खा रहे होगा, कोई नहीं आ रहा है। अरे ये हम लोग साथ में आ जाएगा, अरे जाओ तुम खाना खा लो। मैंने उसको बाय बाय किया, वो मेरे साथ साथ जा रहा है। खा ले खा ले खा ले खा ले, इट 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 खा लो तुम। हाँ बाय बाय। निश्चय स्वीटी, आज चारों तरफ सबका चले चल रहा है। खाओ 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 खाओ, कोई नहीं पायाना। हम सिर्फ खाने के लिए आए थे, लेकिन 5-5 कैट को खाना खिला जा रहा है, एक अलग ही एक अलग खुशी। मेरा आउटफिट किसी ने दिखाया नहीं तो मैं खुद ही दिखा रही हूँ। आज किसी को कुछ याद ही नहीं है। यहाँ पे फ्लेमिंगो का डिजाइन है इस तरह से, बहुत बड़ा है।
वाला बिल्ली का आंखें देखो एकदम ग्रीन। हमारे यहाँ पे बच्चे लोग साइकिल, सिटी का भी साइकिल यहाँ पे रहता था, ये नीचे है। वाह हेलो, अभी लाते समय का पत्ता भी है इसीलिए वही वाला लिया मैंने। ऐसे ऐसे दे दो क्या? कितना सुंदर लगेगा बच्चे अगर ऐसे पेड़ घर पे रहे। वाह खाने का ही नहीं मन करेगा उसको। ऑरेंज एप्पल अनार केला तो जरूरी है। अभी आके फल धर लिया। आधा गोती स्वीटी इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि टीचर गोवा गई है और बच्चों को होमवर्क दे दिया। लग तो वैसे ही रहा, मतलब मेरा इमेजिनेशन, तेरा सीरियस देखे वैसे ही लगेगा ना। टीचर कहाँ कहाँ गई है क्या पता? अब टीचर का स्टेटस निकाला। जीरा, चौक मेथी और इसको अच्छी तरह से भूनना है, पानी रिड्यूस करना है। हल्दी, कुटी हुई जिंजर और ग्रीन चिली, बॉयल्ड पोटैटो, अंदाजे से चाट मसाला और सॉल्ट देख के इसको अभी अच्छी तरह से भूनना है। और इसको इस तरह से जस्ट भून भून के उसको अभी ठंडा कर लिया। ये ऑसम होता है, एक बार जरूर ट्राई करना। Let me be honest, I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. और ये बेसन का लड्डू बनाया। बर्गेसिस थर्सडे ये वाला लास्ट है, इसीलिए सोचा था मतलब बेसन का लड्डू बनाऊंगी महालक्ष्मी के लिए। थोड़ा सा मतलब विंटर में ताकत मिलेगा महालक्ष्मी को। मैं इस तरह से उनसे बात करती हूँ, कोई भी भगवान से। We could get out of town, see the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out. Wow. Thank you, Manisha. Manisha ke ghar har saal Margasis Thursday mein लास्ट थर्सडे में नॉर्मली करते हैं, एक पार्टी टाइप का होता था, मतलब जो हल्दी कुमकुम होता है ना, और गिफ्ट मिलता था, हम लोग गिफ्ट चुनते थे। क्या मजेदार दिन था। मनीषा ने ये बैग भेजा है, किसी किसी बार क्रॉकरी, किसी बार ब्लाउज का पीस, काफी सारे मतलब ऐसे इसको देखो। अरे यहाँ पे खाना है प्रसाद। मनीषा ने पूछा जो इस बार तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट चीज है क्या? पाव भाजी। मनीषा हर बार पाव भाजी, उसका पाव भाजी बहुत टेस्टी होता है। बोला हाँ प्रसाद भेज, क्यों पसंद नहीं? गुलाब जामुन खीर कदम और ये है मालपुआ। प्रसाद सबको खाना है। आप लोग मनीषा का प्रसाद जरूर लेना। थैंक यू मनीषा। If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know. ये बेसन का इस तरह से लड्डू बनाया जो अलमार से के ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। You stole my heart. What is it that you do? Hello friends, welcome back to the channel. I hope you friends बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से बंधु रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना, लेकिन स्वीटी के जैसा स्मार्ट तो मत रहना बाबा। और देखो ढेर दिखाया था ना, ढेर उधर से इधर, आज का ढेर है वो। खच्चर खच्चर। वाह आप सब भी आ जाओ हमारे पार्टी में, आप लोगों को भी बुला रहे हो। पकड़ के अभी मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। ये दोनों टाइटैनिक खोलेगा कौन? एक्ट्रेस भी करता है? मैं करता है। मैं
सूटी बोल रही है शाहरुख खान का जैसा, मेरा शाहरुख खान ऐसा करता है। मटर और गाजर का पुलाव है और ये तो बेसन का लड्डू बनाया, मेथी आलू का पराठा, गोभी पकोड़ा, कॉलीफ्लावर का पकोड़ा, ये है छोला दाल मतलब चना दाल, बस इतना सही थे। हाँ मनीषा का पाव भाजी और यहाँ पे मनीषा का मिठाई, छोला दाल आज मस्त बना शांतनु बोल रही है। वाह सूटी क्या खा रही है, ओए ओए सिर्फ पकोड़ा खत्म भी कर दिया। और देखो दाल, देखो तो हाँ दाल का साइज चटनी जैसे लिए, दाल है ना चटनी है सूटी, वो बोलते हैं इसे आपके साथ दाल को देके बेकार हो जाए। और आप सब भी हमारे साथ प्रसाद जरूर लेना। हाँ पकौड़ा का साइज ना छोटा हो गया, शांतनु बोल रहा है इतू छोटा रहने से मतलब है ना, अंदर में कॉलीफ्लावर बाहर में बटर, बस और क्या चाहिए। मेथी आलू का ये पराठा जरूर बनाना। किचन क्लियर, यहाँ पे इस तरह से सब पड़ा रहता है, क्या हुआ जाम करके सोएगी। लक्ष्मी जी का पैर बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।